डाइट पे आ जाते हैं तो मिक्स दाना, जैसे कि हमारे पिछले वीडियोस में हमने बताया हुआ है बहुत डिटेल्स के साथ, और डिस्क्रिप्शन में जो है हम उसके लिंक भी दे देंगे वीडियो की, ताकि आप उसको भी जो है तसल्ली से देखें। और उसमें हमने दाना और फ्रूट, चना वगैरह, सॉफ्ट फूड जो भी है, तमाम चीज़ें बहुत डिटेल्स के साथ बताई हुई है। वो आप ज़रूर जो है लिंक पे जाइएगा और वीडियो देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों मिक्स दाना जैसे कि हमने बता दिया वो दे रहे हैं हम, और उसके साथ जो है इस एक दिन जो है हम लोग चना दे रहे हैं भिगो के, 12 घंटे के लिए भिगोते हैं, जिसमें काला चना, सफ़ेद चना और हरी मूंग की दाल साबुत और लाल लोबिया, और ये आइटम होते हैं। और इसी के साथ जो है उबला हुआ अंडा भी देते हैं हम। एक दिन की रूटीन हमारी ये है मिक्स दाने के साथ। दूसरे दिन की रूटीन मिक्स दाने के साथ जो है वो है, जैसे कि गाजर आया हुआ है, सीज़न गाजर का है, चुकंदर हो गया, खीरा हो गया, और इसके अलावा जो है एप्पल हो गया, और उबली हुई मकई हो गई, और सलाद का पत्ता हो गया। ये सब चीज़ें जो है ये हम दूसरे दिन देते हैं मिक्स दाने के साथ। और पानी चूँकि जैसे कि हम उबला हुआ अंडा देते हैं, तो उसके ऊपर जो है एक दिन हमारा उबला हुआ अंडा होता है और एक दिन फल सब्ज़ी होती है। तो जिस दिन उबला हुआ अंडा होता है तो हम लोग उस पर एक दिन जो है प्राइम डालते हैं अंडे के ऊपर। दूसरी मरतबा जब अंडे की बारी आती है तो उसमें फिर 100 रुपये डीप ब्रीडर डालते हैं। इस तरह की रूटीन अपनाई हुई है, जैसे कि एक दिन जो है प्राइम, एक दिन 100 रुपये डीप ब्रीडर। इस तरह हफ्ते में जो है कभी 2 दिन प्राइम चली जाती है या 3 दिन, तो कभी 3 दिन 100 रुपये डीप ब्रीडर चली जाती है और 2 दफ़ा प्राइम चली जाती है। तो ये तो सॉफ्ट फूड के ऊपर हमारी विटामिंस है जो हमने बता दी आपको। इसके अलावा पानी में जो है वो कभी जो है 2 दफ़ा कैल्शियम पी सीरप आता है, जो 4 to 5 ml पर लीटर डलता है, वो देते हैं। और इसके अलावा जो है लाइसोविट देते हैं। तो जैसे कि हफ्ते में कभी 2 दफ़ा कैल्शियम पी दे दी, तो अगले हफ्ते जो है वो 2 दफ़ा लाइसोविट दे दी, और जिस दिन 2 दफ़ा लाइसोविट दी तो उस दिन कैल्शियम पी 1 दफ़ा दे दी। इस तरह की रूटीन चला रहे हैं हम लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न रवा दवा है। और आप लोगों से दुआओं की भी दरख्वास्त है कि दुआओं में जो है याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा 7 सीस ऑयल जो है वो हफ्ते में 2 दिन दे रहे हैं हम, वो हम दे रहे हैं उबली हुई मकई पर। उबली हुई मकई पे हम दे रहे हैं 7 सीस ऑयल हफ्ते में 2 दिन, जैसे कि एक दिन अगर आपने दिया तो 2-3 दिन का गैप आना चाहिए, फिर दूसरी दफ़ा आप दीजिएगा। आप किसी चीज़ पे भी डाल सकते हैं वो, आप सनफ्लावर भी मिला सकते हैं, जैसे आपको दिल चाहे। तो दोस्तों ये जो है इस वक्त हमारी ये रूटीन है, और बाकी इसके अलावा जो है जो जोड़े नहीं चलेंगे तो उसको जो है इंशाल्लाह ताला फिर AV1 600 शुरू करेंगे, वो भी फिर उसकी भी डिटेल्स आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह ताला बस ठंड से बचाएं बर्ड्स को, कोशिश करें कि सर्दी जो है वो जैसे जैसे बढ़ रही है तो अपने कवरिंग करें केजों की, मास्टर केज की, ताकि जो है ये ठंड से बच सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो इंशाल्लाह ताला कारामत साबित होगी, और बस दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।